सब्सक्राइब कीजिए अमान टेकवर्ड चैनल और दबाएं बेल बटन लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने देखा होगा जब आप कोई भी नया मोबाइल खरीदते हैं उस समय से लेकर 6 से 7 महीने 8 महीने 10 महीने तक आपका मोबाइल बहुत ही अच्छा चलता है, हैंग नहीं होता है, स्लो नहीं होता है और उसके जो भी फीचर होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे चलते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो भी अच्छे चलते हैं। लेकिन 6 महीने या साल भर यूज करने के बाद में वही मोबाइल आपका हैंग होने लगता है, एक तरीके से कहिए कि दम तोड़ने लगता है। तो ऐसा किस लिए होता है आज हम आपको बताते हैं और इसी में बताएंगे आपको टिप्स कि आप किस तरह। सो चलिए देख लेते हैं कि आपका मोबाइल किन वजहों से स्लो होने लगता है या फिर किन कारण की वजह से हैंग होने लगता है। तो सबसे पहला जो कारण है मोबाइल हैंग होना या फिर स्लो होना वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट आपको किस तरीके से पता चल पाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आया। जैसे कि आप अपने मोबाइल को जब ओपन करते हैं तो आपके पास कभी ना कभी एक मैसेज आता है कि आपके मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होने के लिए आया है, आपके सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन वो अवेलेबल है, आप इसे अपडेट कर लीजिए। तो हम इसे चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जाइए। मोबाइल में जाने के बाद में आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद में आपको सीधे ड्रैग करते हुए आपको आना है मोबाइल फोन के अबाउट फोन पे सबसे नीचे वाले फंक्शन पे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट का। तो चलिए सॉफ्टवेयर अपडेट मान लीजिए कि आपके मोबाइल में आ गया है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं 5.1.1 यूज कर रहा हूँ, लॉलीपॉप वर्जन है। तो अगर आप हमारे पास अगर 5.1.2 वर्जन आता है लॉलीपॉप का तो हम अगर तुरंत इसे अपडेट कर देते हैं, इसका रिव्यू नहीं चेक करते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, या फिर हमें मोबाइल को अपडेट करने के बाद में नुकसान हो सकता है या फिर इसके फायदे भी हो सकते हैं। तो इन वजहों से भी हमारा मोबाइल जो है वो हैंग होने लगता है। जो पहले सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में था वो अच्छा खासा चल रहा था, सही चल रहा था, स्मूथली चल रहा था, लेकिन जो नया अपडेट आया है उसमें कुछ फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से पहले, अपने मोबाइल में अपडेट करने से पहले आप इसका रिव्यू चेक कर लीजिए कि आपके जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है जो अपडेट आया है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप उसे फिर 1 से 2 महीने के बाद में, आप वेट करने के बाद में कम से कम 2 महीना वेट करिए सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद में नया, उसके बाद में आप इंस्टॉल कर लिए, तब जाके आपका मोबाइल 100% सेफ और सिक्योर रहेगा और जैसा कि आप पहले जैसा यूज कर रहे थे उसी तरीके से आप अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। देख लेते हैं अब दूसरा अपडेट क्या है कि किस वजह से कि हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है। सबसे पहला कारण जो है कि आप अपने मोबाइल के अंदर अनचाहे एप्लीकेशंस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो उनकी वजहों से भी आपकी जो फ़ोन मेमोरी होती है वो फुल हो जाती है। क्या कारण है कि आप अपने मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन मिलता है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। एक तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो अपने मोबाइल में अगर ज़्यादा एप्लीकेशन रखेंगे तो वो ज़्यादा स्मार्ट होंगे, लेकिन ये एक गलत चीज़ है। आपको जिन एप्लीकेशंस की ज़रूरत है आप वही एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखिए ताकि आपकी जो फ़ोन की मेमोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे। अगर मान लीजिए आप 20 एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और उसमें से आप 5 एप्लीकेशन यूज करते हैं तो 20 जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है उन 20 एप्लीकेशंस का जो अनवांटेड फोल्डर है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है और वो आपकी फ़ोन मेमोरी की स्टोरेज को कवर करता है। इस वजह से आपकी फ़ोन मेमोरी जो है वो फुल होने लगती है। अगर आप अपने मोबाइल की फ़ोन मेमोरी में जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद में आप देखेंगे कि अनवांटेड फोल्डर आपके मोबाइल में काफ़ी सारे क्रिएटेड हैं ऑटोमेटिक। तो आपको करना क्या है, आपको जिन एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं है उन एप्लीकेशंस को आपको डिलीट कर देना है। तो आपको ये मिलेगा कहाँ से, आपको जाना है फाइल मैनेजर में, अपने मोबाइल फ़ोन की फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर पर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है इंटरनल स्टोरेज पे। जैसे इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करते हैं आपके पास में काफ़ी सारे यहाँ पर अनवांटेड फोल्डर आ जाते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिंपली उस पर टैप करके रखना है होल्ड और उसके बाद में आपको डिलीट कर देना है जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आपके मोबाइल की जो मेमोरी है वो काफ़ी हद तक तकरीबन 50 से 75% आपकी मेमोरी खाली हो जाएगी, जो आपको स्पेस है वो ज़्यादा मिल जाएगा, तो उसकी वजह से जो आपका मोबाइल है वो स्मूथली वर्क करने लगेगा, वजह से भी आपका मोबाइल काफ़ी हद तक हैंग होने के चांस में रहता है और स्लो भी होने लगता है इन्हीं कारणों की वजह से। तीसरा कारण ये है कि आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर के जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं डे बाई डे, 1 से 2 दिन में कोई ना कोई एप्लीकेशन का अपडेट आता है और वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है।
तो आपको करना क्या है कि आपको देखना यह है कि जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल में वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको उस मोबाइल से कुछ नुकसान हो रहा है या फिर हैंग हो रहा है तब आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। तो इसे चेक करने के लिए आप जा सकते हैं प्ले स्टोर को ओपन करिए। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको आना है सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑटो अपडेट आपके एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल फोन में जो सेटिंग है वो ऑटो अपडेट वाईफाई पर सेट होगी। तो आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है कि डू नॉट ऑटो अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा लेकिन वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। जब आप चाहेंगे तो अपनी मर्जी से उसे अपडेट कर पाएंगे। सबसे पहला ये आप सेटिंग जरूर कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में ताकि आपका मोबाइल सिक्योर हो सके और सेफ हो सके। बाद में जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जो ट्रिक्स है जो आपके काम आने वाली है, आप अपने मोबाइल फोन में एक ही जीमेल यूज करिए, एक ही ईमेल आईडी यूज करिए प्रॉपरली। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि कोई भी एक मोबाइल फोन को चलाने के लिए ऐसे ही ईमेल आईडी या जीमेल आईडी बनाकर उसे फेक जीमेल आईडी बनाकर यूज करने लगते हैं लेकिन फिर उसके जो नुकसान होते हैं वो आप झेल नहीं सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए इस टाइम पर गूगल में जो सिक्योरिटी लॉक का ऑप्शन आ रहा है सैमसंग लॉक का, तो अगर आप अपने मोबाइल को फेक आईडी से यूज करते हैं और आपको पासवर्ड नहीं पता है और आपने फॉर्मेट कर दिया मोबाइल को, तब आपका मोबाइल लॉक हो सकता है और उस टाइम पर आपको जरूरत पड़ती है आपकी जीमेल आईडी की। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप एक ही जीमेल आईडी यूज करिए जो कि आपके पास प्रॉपरली उसकी जीमेल आईडी हो और उसका पासवर्ड आपको पता हो, ताकि आप किसी भी अगर एंड्रॉयड फोन में आप यूज करते हैं तो आपका जो भी डाटा है, जो भी इमेज है, जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं, वो आपके साथ में आपकी ईमेल आईडी पर उस मोबाइल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब आखिर में आप बताते ये हैं लास्ट में हम आपको बताते ये हैं कि आप अपने मोबाइल को हैंग होने से किस तरीके से बचा पाएंगे। आपने देखा होगा कि आप अपने मोबाइल को हो सकता है 6 महीने से 7 महीने या फिर साल भर के बाद में ही कभी फॉर्मेट करते हो, तो इसे फॉर्मेट करने के लिए आप कम से कम यानी मिनिमम 2 से 3 मंथ या फिर कह लीजिए 1 से 2 महीने में आप एक बार अपने मोबाइल को बैकअप फैक्ट्री रिसेट जरूर कर दीजिए ताकि आपके जो मोबाइल है उसका जो भी डाटा है, जो भी वायरस है, जो कुछ भी उसके अंदर अवेलेबल है वो क्लियर हो जाएगा और आपके जो भी डाटा है उसे आप कवर कर पाएंगे बैकअप स्टोरेज के साथ में, बैकअप रीस्टोर के साथ में। अगर आप जीमेल आईडी एक ही यूज करते हैं और उस पर आपने बैकअप सेट करके रखा हुआ है तब आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जीमेल आईडी वही डालिएगा और वही पासवर्ड डालिएगा तब आपके जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी फोल्डर है, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो इमेज है, जो वीडियो है आपकी ईमेल आईडी पर जो सेट है वो आपको वापस मिल जाएगी उसी मोबाइल फोन में। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आपकी समझ में भी आएगा कि किस वजह से आपका मोबाइल हैंग होने लगता है या फिर स्लो होने लगता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आइकॉन दिख रहा है अमान टेक कोड का लोगो, वहां पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।